नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के चलते एक नई पहल की है, जिसमें सुगम मतदान अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने के लिए केंद्रों पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए पटियाला में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में मूक बधिर व नेत्रहीन बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए EVM में ब्रेल लिपि में भी उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चिन्हित किया गया है, जिससे नेत्रहीन मतदाता भी स्वतंत्र होकर मतदान कर सकेंगे। हालांकि वे चाहें तो अपनी मदद के लिए किसी रिश्तेदार को भी साथ ला सकते हैं। गौरतलब है कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए केंद्र की भाजपा सरकार के दौरान जुलाई 2017 में एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें खास बात यह है कि अगर कोई दिव्यांग कार खरीदता है तो उसे कार खरीदने पर GST नहीं देना पड़ेगा और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ़ होगी। दिव्यांग व्यक्ति की सुविधा के अनुसार ही उस गाड़ी में जो भी बदलाव होंगे वह भी कंपनी ही करके देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार गाड़ी का बीमा भी आधी कीमत पर होगा और गाड़ी के मालिक को टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही इस नोटिफिकेशन के अनुसार एक अन्य शर्त भी रखी गई है, जिसके चलते वह दिव्यांग व्यक्ति 5 साल तक अपनी गाड़ी बेच नहीं सकता। इस कार्यक्रम में मूक बधिर विद्यार्थियों की ओर से मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक करता गीत गाया गया। इसकी खास बात यह रही कि जो कुछ भी मूक बधिर व नेत्रहीन विद्यार्थियों ने मंच पर प्रस्तुत किया, उसके भाव को इशारों यानी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचाया भी गया। इस दौरान डेफ एंड डम स्कूल के बच्चों की ओर से भांगड़ा डाला गया और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी लोभ लालच, धर्म जाति व रंग भेद और डर या दबाव आदि को दरकिनार कर स्वतंत्र रूप में उम्मीदवार के गुणों को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की अपील करता नाटक प्रस्तुत किया गया।
तो इलेक्शन के बारे में मुझे पता लगा, इलेक्शन की अवेयरनेस के बारे में मुझे बताया गया कि सबको बताना है। तो जितने भी आप लोग जो हैं जो नहीं बोल सुन सकते उनको साइन लैंग्वेज जरूर यूज़ करनी है। तो उन्होंने मेरा हमें बताया कि साइन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिर हमने सोचा कि साइनएक्स जो हमारे कंपनी है जो बॉम्बे में है ये काम करती है एक्सेसिबिलिटी के लिए, और जिसमें हमारे जो टीम मेम्बर्स हैं सुनील जी वो भी आए हैं आज यहाँ पे, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, वो वहाँ पे हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ पे वो डिजाइनिंग करते हैं मैथ की तरफ से। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हमारे पास आए हैं, पंजाब से दो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे साथ बॉम्बे में हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारी टीम जो है एडिटिंग की टीम है वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, और हमारी कंपनी के जो टीम मेंबर हैं वो भी आज हैं। साथ ही राज्य के कई अन्य जिलों से आए दिव्यांग व्यक्तियों को ईवीएम मशीनों के प्रयोग के बारे में व्यवहारिक जानकारी भी दी गई। कैसे हमने अपना वो किया, स्टार्ट किया, मैं सुनील और मैं बॉम्बे में रहने वाला हूँ। मैं एक नहीं हूँ, मेरी कोई टीम है जिसमें हम दो रेफ हैं और एक हेयरिंग है। और साइनएक्स हमारी कंपनी का नाम है, इसका मोटिव क्या है इसका आपको पता लग जाएगा जब हमारी इनोग्रेशन होगा। तो मैं थैंक यू करता हूँ राहुल का एक्सपीरियंस और अमरीश का जो इंटरप्रेटर है हमारे साथ, जो है टीम मेंबर हैं और जितनी भी हमारी टीम है जिन्होंने हमारे साथ ऐप के लिए काम किया, साइनएक्स ऐप के लिए काम किया, उनका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐप आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी और आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अभी जैसे इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तो PAD के जो प्रेजिडेंट हैं जगदीप सिंह, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरा बॉम्बे में काम है। जैसे कि मैं बॉम्बे से अभी कल ही मैं शिफ्ट हुआ हूँ और मैं अभी यहाँ मूव किया है, हमने राजपुरा में हम लिंक्स बनाएंगे, अपने काम करेंगे और इसको हम आगे ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।